आज हम सल्तनत पीरियड के बारे में जानेंगे। जैसा हमने भारत इतिहास को 5 कालों में विभाजित कर लिया है, एंशियंट हिस्ट्री, गोल्डन एज, सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड और फ्रीडम स्ट्रगल। और एंशियंट हिस्ट्री और गोल्डन एज पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आज का डिस्कशन सल्तनत पीरियड पर रहेगा। जो सल्तनत पीरियड था वो 1206 एडी से 1526 एडी तक फैला हुआ था, और जिसमें इस दौरान जो अलग अलग डायनेस्टीज जिन्होंने भारतवर्ष पर रूल किया वो थी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और इसी दौरान जो साउथ में दक्षिण भारत में जो अम्पायर फैला हुआ था उसे विजयनगर अम्पायर के नाम से जानते हैं। और इस अम्पायर में जो अलग अलग डायनेस्टीज जिन्होंने रूल किया दक्षिण भारत को वो थे संगमा डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, अराविडू डायनेस्टी, और फिर इनके बाद जो किंगडम आया वो था बहमानी किंगडम। तो पहले हम इस पीरियड, ये सुल्तनत पीरियड शुरू होने से पहले के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, मुस्लिम इन्वेजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मोहम्मद बिन कासिम भारतवर्ष आए, उनके बाद फिर महमूद गजनवी और फिर मोहम्मद गौरी। तो महमूद गजनवी जब भारत आए थे उन्होंने 17 बार भारतवर्ष पर आक्रमण किया था, और सोमनाथ टेम्पल में जो लूटपाट की थी वो भी महमूद गजनवी ने की थी। फिर उनके बाद फिर मोहम्मद गौरी आए। जो मोहम्मद गौरी जब भारतवर्ष में आए तो उसको हिस्टोरियंस इस नज़र से भी देखते हैं कि मुस्लिम रूल का जो फाउंडेशन था वो मोहम्मद गौरी से ही शुरू हुआ। तो जो पहली डायनेस्टी थी जो सल्तनत पीरियड जहाँ से शुरुआत हुई वो थी स्लेव डायनेस्टी, उसे गुलाम वंश भी कहते हैं। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, और इनकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते हुए। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी इन्होंने बनवाया था, और कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन स्टोन था वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए इल्तुतमिश, जिन्होंने कैपिटल दिल्ली को बनाया लाहौर से हटा करके, और उन्होंने दिल्ली को चंगेज खान के आक्रमण से भी बचाया, और जो कुतुब मीनार जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी उसे उन्होंने कंप्लीट कराया। इल्तुतमिश के बाद आई रज़िया सुल्तान, जिन्हें पूरे भारतवर्ष के इतिहास की पहली महिला शासक के नाम से भी जानते हैं। और इनके बाद रज़िया सुल्तान के बाद बहुत सारे और शासक आए जो काफ़ी कमज़ोर थे, पर उनमें से जो एक सिग्निफिकेंट नाम है वो है बालबन का। स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई, जिसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। उनके बाद आए अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट बनवाया, जिसे अलाई दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। और उनके जो कोर्ट पोएट जो बहुत फेमस हैं भारत इतिहास में वो है अमीर खुसरो। अब खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई, जिसके फाउंडर थे ग्यासुद्दीन तुगलक। उनके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजशाह तुगलक और मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे डिसीजंस लिए थे अपने कार्यकाल में, जो कि भारत इतिहास में उनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है और उन पर काफ़ी स्टडी की जाती है। तो उनमें से पहला था टैक्सेशन ऑफ दोआब। तो जो राज खजाना था वो काफ़ी खाली हो गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये डिसाइड किया था कि जो फर्टाइल एरिया है, जो भी जहाँ से नदी गुजर रही है और जहाँ पर फर्टाइल एरिया है वहाँ पर जो भी उत्पाद होता है उन सब पर टैक्सेशन लगाएंगे। और उन्होंने जो कैपिटल था उसे दिल्ली से देवागिरी, जो पुणे के पास में है, जिसे दौलताबाद के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे उन्होंने उसे शिफ्ट करने की बात कही। इसके पीछे ये कारण था कि वो चाहते थे कि दक्षिण भारत में भी तुगलक डायनेस्टी की रीच पहुँच सके, तो वो कैपिटल को नॉर्थ से मिडिल इंडिया की तरफ शिफ्ट करना चाहते थे। और उन्होंने टोकन करेंसी की शुरुआत की, और खुसरन एक्सपेडिशन वो चाहते थे कि पर्शिया में भी तुगलक डायनेस्टी की रीच पहुंच सके, वहाँ पे भी वो शासन कर सकें। और क्वाराचिल एक्सपेडिशन, जिसमें वो चाहते थे कि चाइना में तुगलक डायनेस्टी अपनी पहुंच पहुंचा सके। तो ये 5 ऐसे डिसीजंस थे जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिए थे, जो कि सारे के सारे एक तरह से फेलियर माने जाते हैं। और तो इन कारणों से मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी इतिहास में एक बहुत बड़ा उनको इतिहास में काफ़ी याद किया जाता है कि ये डिसीजंस थे जिनके ये इम्प्लिकेशंस हुए और इनसे क्या सीख मिलती है। और उनके बाद फिर फिरोजशाह तुगलक आए, जिन्होंने बहुत जिनका योगदान रहा फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद जैसे शहरों को बसाने में। उनके बाद फिर मोहम्मद शाह तुगलक आए,
मोहम्मद शाह तुगलक के समय में तैमूर, जो कि चंगेज खान के डिसेंडेंट थे, उन्होंने दिल्ली में काफ़ी लूटपाट मचाया, और तैमूर के आने के साथ तुगलक डायनेस्टी का अंत हुआ और सईद डायनेस्टी शुरुआत हुई। तो सईद डायनेस्टी के जो जो तैमूर ने जो भी लूटपाट मचाया था, और जब वो दिल्ली से वापस जा रहे थे तो उन्होंने अपना एक नॉमिनी दिल्ली में बैठाया जिसका नाम था खीजर खान। तो खीजर खान के साथ सईद डायनेस्टी की शुरुआत हुई। खीजर खान के बाद मुबारक खान आए, मोहम्मद शाह आए, फिर आलम शाह आए। सईद डायनेस्टी के बाद फिर लोधी डायनेस्टी आई जिसके फाउंडर थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आए, फिर इब्राहिम लोधी आए। सिकंदर लोधी ने कैपिटल जो था वो दिल्ली से आगरा आगरा शिफ्ट कराया। आगरा शहर सिकंदर ने बसाया था। फिर इब्राहिम लोधी जब जब शासन कर रहे थे तब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। इसी दौरान जो साउथ में जो एम्पायर फैला हुआ था वो था विजयनगर एम्पायर, जिसके फाउंडर थे हरिहरा और बुक्का। तो जो जो पहली डायनेस्टी इस एम्पायर में जो जो आई वो थी संगमा डायनेस्टी, और संगमा डायनेस्टी के फाउंडर थे हरिहरा बुक्का। उसके बाद फिर हरिहरा 2 आए, फिर देवारया 1 और देवारया 2। देवारया 1 के समय में निकोल डी कोंटी, जो कि एक इटालियन ट्रैवलर थे, वो उन्होंने इस डायनेस्टी के समय भारतवर्ष को विजिट किया। और देवारया 2 में अब्दुल रज्जाक, जो कि पर्शिया से थे और शाहरुख के इन्वॉय थे, वो इस डायनेस्टी इस शासन को उन्होंने विजिट किया था। और संगमा डायनेस्टी के बाद फिर सलुवा डायनेस्टी आई। सलुवा डायनेस्टी के फाउंडर थे सलुवा नरसिम्हा। सलुवा नरसिम्हा के बाद जो शासन था वो तिरुमला और इमादी नरसिम्हा के हाथों में चला गया, जो कि वो दोनों माइनर्स थे। तो उन दोनों के माइनस होने की वजह से जो असली जो शासन था वो उनके कमांडर इन चीफ के हाथों में था, जिनका नाम था नरसा नायका। और इन्हीं के शासन के दौरान वास्को डी गामा भारत भारत पर उन्होंने अपने कदम रखे थे, और 1498 में कालीकट में। और सुलुवा डायनेस्टी के बाद फिर तुलुवा डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई, जिसके फाउंडर थे वीरा नरसिम्हा। वीरा नरसिम्हा के बाद कृष्णा देवरिया आए, जिनके अल्बर्ट कुकी, जो कि एक पोर्तुगीज थे, उनके साथ उनके बहुत फ्रेंडली रिलेशंस थे। और उसी समय डोरेटो बारबोसा और डोमिनिको पेस ने भारत को विजिट किया था, वो भी पोर्चुगीज थे। और कृष्णा देवरिया के बाद अचुत्या देवरिया आए, और उनके समय में फर्नैंडो नुंजी ने भारतवर्ष को विजिट किया। और वेंगेटा वन और सदाशिवा राया के समय में सीजर फ्रेडरिक इंडिया आए। और जब इनका कार्य जब ये राजगद्दी पे बैठे हुए थे, वेंगेटा वन और सदाशिवा राया, तो जो रियल पावर था वो रामा राया के हाथों में था। और इसी दौरान बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ, जिसमें हुसैन निजाम शाह ने रामा राया को पराजित कर उनकी हत्या कर दी थी। और तुलुवा डायनेस्टी के बाद अरावीडु डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई, जिसके फाउंडर थे तिरुमला राया। तिरुमला राया इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि इन्होंने आयागार सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें अलग अलग गांव से कुल 12 रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए जाते थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे शासन को। तो आयागार सिस्टम की शुरुआत तिरुमला राया ने की थी। और विजयनगर एम्पायर के बाद फिर बहमानी किंगडम एग्जिस्टेंस में आया। बहमानी किंगडम के जो फाउंडर थे उन्हें हसन गंगू कहते हैं, जिनका असली नाम था अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। और इस समय जो कैपिटल था इस किंगडम का वो गुलबर्गा में था, गुलबर्गा कर्नाटका में। उसके बाद फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह आए, फिर अहमद शाह वाली आए। अहमद शाह वाली के समय में जो बहमानी किंगडम का कैपिटल था वो बीदर था, जो बीदर भी कर्नाटका में। तो इस काल के दौरान, सल्तनत पीरियड के दौरान, जो बहुत इम्पोर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन हुए थे और जो अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं, उसमें से एक एक गोल गुम्बज, जिसे मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर बसाया था, जिसे उस समय भाग्यनगर के नाम से जानते थे। उन्होंने गोलकोंडा फोर्ट भी बनवाया, और चारमीनार भी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही बनवाया था। तो ये जो पूरा समय था, ये जब सल्तनत पीरियड था, तो उस समय हमारे देश में दो तरह के रिलीजियस मूवमेंट्स हुए। एक था भक्ति मूवमेंट और दूसरा था सूफी मूवमेंट। तो जो भक्ति मूवमेंट था उसकी शुरुआत हुई थी अलवर सेंट पोएट से, और इसे रिवाइव किया गया था आचार्यास के द्वारा। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पहले कौन आए फिर दूसरे सेंट कौन आए, उनका नाम मैंने यहाँ लिख रखा है।
रामानुजा, रामानंदा, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य। चैतन्य ने बंगाल वैष्णविज्म की शुरुआत की थी। फिर विद्यापति, पुरंदर दास, मीराबाई जो कि राणा संघा की बहू थी, फिर वल्लभाचार्य जिन्होंने पुष्टि मार्ग की शुरुआत की, सूरदास जिन्होंने सूर सागर लिखा, तुलसीदास जिन्होंने रामचरित्र चरित्र मानस, कविता वाली और गीता वाली लिखा, फिर शंकरादेवा, दादू दयाल और त्यागराजा आए। और भंति शेण जो महाराष्ट्र में बहुत बहुत जिनका नाम फैला वो थे जनानेश्वरा, नामदेवा, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। और जो सूफी मूवमेंट था उसकी शुरुआत हुई थी ख्वाजा अली हुजवीरी से, और शेख बदरुद्दीन जकारिया उनके बाद आए, फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में थे, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी। इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार बनाया था वो इनकी ही याद में बनाया था, इनकी मेमोरी में बनाया था। और फिर इनके बाद आए शेख बदरुद्दीन समरकांडी जिन्होंने फिरदौसी ऑर्डर की शुरुआत की थी। तो ये था पूरा सल्तनत पीरियड के समय। और इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि मुगल पीरियड, मुगल शासन कैसा रहा। धन्यवाद।